और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम योगी ने अधिकारियों से यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चा भी की। 14 सितंबर को पीएम मोदी आने वाले हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। उससे पहले सीएम पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया, किस तरीके की तैयारी है, अधिकारियों से भी चर्चा की। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब अलीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उस वक्त की तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके की तैयारी है, उन तैयारियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा की। दरअसल 14 सितंबर को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उससे पहले सीएम खुद पहुंचे और उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण किया। अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी को लेकर एबीपी गंगा ने सांसद से बात की है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद किया। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका लंबे समय से अलीगढ़ की जनता को इंतजार था। राजा महेंद्र सिंह के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी की का शिलान्यास बस कुछ दिनों में होने वाला है। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं अलीगढ़ सांसद सतीश जी। आप बताइए कि लंबे समय से आप भी कह रहे थे कि राजा महेंद्र सिंह ने ज़मीन दी थी एएमयू को, लेकिन उनको उपेक्षित रखा गया। किस तरीके से सरकार इसमें एक तरह से कहा जाए उनके योगदान को याद कर रही है और उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बना। देखिए, आज ये अलीगढ़ के लिए और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का और डिफेंस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबकी अपेक्षा थी, सबकी इच्छा थी, बच्चों की मांग थी। मेरी 2014 में सांसद बनने के बाद मेरी महत्वपूर्ण मांग रही, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप की भूमिका बुलाई नहीं जा सकती। चाहे वो देश विदेश में सेना बना के उन्होंने कृत किया हो, सम्मान बढ़ाया हो देश का, दूसरा जिस तरह से उन्होंने अलीगढ़ का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, ये बहुत बड़ी बात है। कुल मिला के राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की जो अब स्थापना अब होने जा रही है, आज उसका स्थलीय निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी आधारशिला रखेंगे, लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी ने एक तीर से कई सारे निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने जो लगातार जो एएमयू में राजा महेंद्र सिंह के नाम पर जो पॉलिटिक्स जो गरमाई जाती थी, तो उसको एक मैसेज देने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ जो इस समय लगातार जो जाट आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें जाट नेताओं की अहम भूमिका है, तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को भी मैसेज देने की कोशिश इस यूनिवर्सिटी के जरिए की गई है। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, एबीपी। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की अच्छी पहल सामने आ रही है। वैक्सीनेशन के लिए ग्राम प्रधानों को जवाबदेह बनाया गया है। ग्राम प्रधानों पर टीकाकरण अभियान की जिम्मेदारी होगी और 100% वैक्सीनेशन होने पर सम्मानित भी करेगी सरकार। प्रधानों पर टीकाकरण अभियान सफल बनाने का जिम्मा रखा गया है और ऐसे में 100% वैक्सीनेशन होने पर उन्हें सरकार की तरफ से सम्मान भी उनका किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ये अच्छी पहल सरकार की सामने आ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, इसी की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की है। वैक्सीनेशन के लिए ग्राम प्रधानों को जवाबदेह बनाया गया है और ग्राम प्रधानों पर टीकाकरण अभियान की जिम्मेदारी अब से होगी। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायक की अनोखी मांग देखने को मिली है। कांग्रेस एमएलसी ने मंत्री आवास में चूल्हा बनवाने की मांग की है। महंगे गैस सिलेंडर को बताया चूल्हा बनवाने की वजह। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने व्यवस्था अधिकारी को पत्र भी लिखा है इसके लिए और सभी विधायकों के लिए चूल्हा लगाने की मांग की है। इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहले लोगों के धुएं से आंसू निकलते थे, सरकार ने अब तो महंगाई से लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। इसलिए महंगे गैस सिलेंडर से निजात पाने के लिए बहुखंडीय मंत्री आवास में व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर यहां पर कोयले से और जलौनी की लकड़ी संचालित होने वाले चूल्हे के लगाए जाने का लिए कहा है। उम्मीद है जल्दी चूल्हा लगेगा और जिस तरह से प्रदेश की जनता, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, आंसू बहा रही है, तो कम से कम महंगाई से बचेगी, शुद्ध खाना बनाएगी और महंगाई से निजात पाएगी।